मैं आज लाहौर आवारगी के बारे में कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ, आपको शरीक करना चाहता हूँ उन तजर्बों में जो इस दौरान मुझे हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जनाब आवारगी तो आप पूरे कॉन्टिनेंट की करते रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया आवारगी है या अमेरिका आवारगी, तो एक शहर की आवारगी कैसे हो सकती? मैं समझता हूँ कि एक शहर भी जो है, अगर वो आपका अपना है, और अपना आपका वो शहर कब होता है? जब आप उस शहर में अपना पहला कत्ल देखते हैं, पहली लाश देखते हैं जो 1947 में मोतीवाले के बाद मैंने देखी, उसके बाद जहां आपका पहला बच्चा पैदा हो और जहां आपके वालदैन जो हैं वो दफन होते हैं, तब वो शहर आपका होता है। और वो शहर फिर शहर नहीं रहता, वो एक कायनात हो जाता। चुनांचे लाहौर की जो आवारगी है वो एक कायनात की आवारगी। लाहौर, मैं ओरिजिनल लाहौरी हूँ, जो कहते हैं ना कि सेटलर आप कह लें। मेरे वालिद साहब तो गुजरात से तशरीफ़ लाए थे, एक छोटा सा गांव था झुकालियाँ, वहाँ से मेरी जान पर लाहौर। और आप जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं वो मज़हब पे ज़्यादा सख्ती से अमल करते हैं, इसी तरह मैं नौ लाहौरिया हूँ, और इसीलिए शायद लाहौर के साथ मेरी कमिटमेंट बाकी लाहौरियों की नस्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस किताब में और बाकी जो किताबें उनमें फ़र्क ये है कि ये एक ऐसा शख्स है जो उसके इश्क में मुब्तला है। तो इश्क में मुब्तला शख्स वो एग्जैजरेट भी करता है महबूब की खूबसूरती को, और उसकी हर अदा उसे मरगूब होती है। चुनांचे लाहौर आवारगी एक आशिक की दास्तान है, और आशिक जो है वो ज़रा सा एग्जैजरेट भी करे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। चुनांचे लाहौर के साथ ये मेरी पहली किस्त है इश्क की, और अगर मेरी शेर ने इजाज़त दी मैंने मज़ीद आवारगी की तो लाहौर आवारगी के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक और किताब